वेलकम, आई एम मनीष कुमार साहू, योर फिजिक्स टीचर। टुडे आई विल टीच यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, बिफोर वॉच दिस वीडियो यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियो, गो इन प्लेलिस्ट एंड चेक इन रजिस्टर्स, देन वॉच सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड आई हैव अपलोडेड वन वीडियो लेक्चर्स ऑन द प्रॉब्लम्स। In that video, I have solved some basic problems. In this video, today, I will take some standard levels problem. It is useful for our students like you, NEET, other NEET, JEE, any exams that in which physics come. ठीक है, तो देखो, numerical problems based on series and parallel combinations. इस पर कराता हूँ। मैंने previous lectures में एक आपको homework कैसे दिया था, ठीक है, उसको मैंने solve कर देता हूँ पहले। सपोज दैट एक रेजिस्टेंस ए है, एक सेकेंड रेजिस्टेंस ए है, एक इट इज अ थर्ड रेजिस्टेंस, ए वोल्टेज ए बी है, एंड इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। सपोज यहां से मैंने यहाँ एक इस प्रकार से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन इन दिस कंडीशंस आपको फाइंड करना था, देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस टाइप का कनेक्शन सीरीज में आपको कमाई है। देखो, अगर नॉर्मली देखो तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है, मैंने बोला था यदि कोई एक रेजिस्टेंस का सेकेंड पॉइंट सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यदि दोनों रेजिस्टेंस हैं और दोनों का लेफ्ट पॉइंट एक पॉइंट से राइट एक पॉइंट से कनेक्टेड है तो इसे क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे क्या बोलते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रहेगा ये दो कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आपको देखो बेसिकली यहाँ बताया नहीं गया है बट वोल्टेज सप्लाई जरूर किए होंगे। तो यहाँ इसका वोल्टेज कितना होगा, ये पॉइंट का वोल्टेज वी ए होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, वी बी होगा। तो देखो जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ आएगा वही वोल्टेज, चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो सेम वोल्टेज यहाँ ट्रेवल करते करते यहाँ भी आएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना होगा, वी ए ही होगा। तो देखो ए पॉइंट टर्मिनल पी है, ए टर्मिनल क्यू है, तो पी एंड क्यू के बीच का वोल्ट अगर आप देखो तो पी पर भी वोल्टेज कितना है, वी ए है, ठीक है। क्यू पर भी वोल्टेज कितना है, वी ए है। इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, जीरो होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज डिफरेंस जीरो है तो ये वाली क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। याद रखना कभी भी दो पॉइंट के टर्मिनल का वोल्टेज सेम हो जाते हैं दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। और उस केस में इसको आप ऐसे दिखाओगे, देखो ये क्या था आपका, ए पॉइंट है, ये यहां से लेकर यहां तक अब शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस को हटा के सिंगल लाइन खींच देना, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आपका बी है, देखो ये दैट मींस ये शॉर्ट सर्किट होने का मीनिंग ही होता है सारा रेजिस्टेंस को हटा के उसके प्लेन पे सिंगल लाइन खींच दो, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस कितना था, आर था। ये हमेशा क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। तो सो अब यहां से देख लो, आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस केवल आर है तो आर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में आप इस प्रकार से ध्यान रखना कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट देन रिमूव करो, रिमूव, ठीक है, रिमूव द रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर को रिमूव कर देना, क्लियर है। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। इस केस में मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन बताता हूं, चलो थोड़ा ध्यान से देखना। यदि क्वेश्चंस लाइक दिस है, चलो एक बेसिक से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट ए है, इस टर्मिनल से एक वोल्ट रेजिस्टेंस आपका इस प्रकार से कंबाइन है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर ओम, एक रेजिस्टेंस ए है आर ओम का, ठीक है। सपोज कर आर में इसको वन ओम देता हूँ, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है,
वन ऑफ कुछ वैल्यू दे देते हैं, आपको इजी होगा स्टडी करने में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ये टच नहीं है, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। इस प्रकार से इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ठीक है, ये आगे है, ये रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। यहाँ से इसको कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ओके, ए टर्मिनल की कौन सी है? ए है, दिस इज द बी। देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो ध्यान से देखना, ये पूरे के पूरे केस में आपको समझ, थोड़ा सा इस वीडियो को पोस्ट करो, खुद से सॉल्व करो, देन मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो आप इसको ध्यान से सिस्टमेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार में सारे को सॉल्व नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये वोल्टेज VA है, इस पॉइंट का वोल्टेज, चलो ये पॉइंट। ठीक है, अब ए टर्मिनल और ए टर्मिनल के बीच में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। अब ये देखो इसका देखो इसका राइट सेकेंड सिरा इस रेजिस्टर के फर्स्ट सिरे से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, और देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, नीचे के यहाँ ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, ये भी कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले ये दोनों को दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक लेफ्ट सिरा, मतलब देखो इसका लेफ्ट सिरा, इसका राइट सिरा। ठीक है, इसके राइट से सेकेंड का लेफ्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, ये रेजिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा। अब देखो आर और आर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आर हो गया, 2 ओम हो गया ये। ठीक है, इस पॉइंट को सेम रहने दो, ये रेजिस्टेंस 1 ओम और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये कितने हैं? ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम का था, इसके प्लेस पे आ गया। तो देखो इसको ना हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा जोड़ दो। ठीक है, इसके प्लेस में कितना हो जाएगा? ये 2 ओम का हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस, और यहाँ से बेसिकली देखो सेम पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना जुड़ा था? 1 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, दिस इज 1 ओम रजिस्टर, दिस इज 1 ओम रजिस्टर्स, ऑल ऑफ दिस लाइक दिस ना। फर्स्ट स्टेप ए हुआ, स्टेप फर्स्ट कंडीशन दिया था, ए स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड बोल सकते हो। इसके बाद देखो ध्यान से, ये दोनों के दोनों सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ध्यान से देखो। ठीक है, 1 ओम रजिस्टर्स, 2 ओम रजिस्टर, दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना। इसको पहले सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? ए हो गया 1 ओम। ठीक है, 1 ओम, ये देखो ये दोनों को दोनों आपके पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, यहाँ का फार्मूला क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फार्मूला है। देखो ये फार्मूला याद रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट याद नहीं करना है तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2, ये फार्मूला होता है। तो 1 बाई आर इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 अपॉन ऊपर जाएगा R2 प्लस R1, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो वही है, ए हो गया फार्मूला, क्लियर है। तो देखो देखो इसमें R1 R2, इसमें वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। R इक्विवेलेंट इस केस में R1 की वैल्यू कितनी है? 1। R2 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 1 3। तो यहाँ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 अपॉन 3 हो, क्लियर है। ठीक है, अब देखो उसको आप थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड में देखना कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस ना अक्सर आपके अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके प्लेस पे आप रिप्लेस कर दो एक रेजिस्टेंस से, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 2 बाई 3 ओम। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम का है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड कितने हैं? ये है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो 1 ओम, 2 बाई 3 ओम और 1 ओम, दिस थ्री रेजिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ ए R1 R2 एंड R3, दिस थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज।
इन तीनों रिलेशन सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फिर ऐड करो। तो मैंने इतने को सॉल्व करता हूँ, देखना ऊपर को सॉल्व करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को तो कितना मिलेगा आपको। सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इस केस में कितना मिलेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन वन है, आर टू कितना है टू बाई थ्री है, आर थ्री कितना है वन है, सॉल्व कर लो ठीक है। एलसीएम ले लो, थ्री प्लस टू प्लस थ्री बाई टू, थ्री थ्री या सिक्स और टू एट बाई टू मतलब फोर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक रिलेशन कितना हो गया, फोर हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे आप, देखो इसके प्लेस में हटा के ठीक है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करो। लोअर में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इस केस में देखो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्शन है। इसलिए अब कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस आप ए बी, फार्मूला क्या होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इस केस में फार्मूला क्या था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था, सीरीज में पैरेलल के फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, टू इंटू फोर और अपॉन टू प्लस फोर, टू इंटू फोर कितना हो जाएगा एट और ये सिक्स हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट इससे कंसिडर तो थ्री और ये फोर हो जाएगा। तो आर ए बी की जो वैल्यू होगी आपका वो फोर बाई थ्री आएगा ठीक है। दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला आपको, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना मिला, 4/3। ये क्या होगा आपका आंसर होगा ठीक है, 4/3 क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस किस में इसका आंसर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिकली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखो पहले आपने क्या किया, इन दोनों के दोनों को सीरीज में थे, इसको फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, ए लिखा, ये दोनों सीरीज में थे एड करके लिख दिया। अब देखो ए और ए पैरेलल हैं, इसको सॉल्व किए ठीक है, देन इसको लिखा, ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं, सीरीज में सॉल्व कर दिए, जो वैल्यू आया उसको लिखो, लास्ट में इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करके आंसर ले आना क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो अनदर क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट ए है ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से वीडियो देखना, आज की पूरी लेक्चर देखने के बाद आप उम्मीद है पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो भी आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो नीट एग्जाम में आए, चाहे आपके वो जेई एग्जाम में आए, कोई भी फिजिक्स के एग्जाम में, जहां भी सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लोगे ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस खासकर पूछे जाते हैं, सपोज ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, रेजिस्टेंस आर है ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ए बी के बीच का वैल्यू, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्लियर है। ध्यान से देखो इस प्रकार से सीरीज है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है ठीक है। दैट मीन्स व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस केस में सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, पहले ऐसी सॉल्व समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल है, उसके लिए वोल्टेज को ध्यान देना पड़ता है। ए है, सपोज कर लो इसका वोल्टेज वी ए होगा, ए टर्मिनल बी है तो वोल्टेज कितना होगा, वी बी होगा। ए वोल्टेज यहाँ जाएगा तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। आगे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ से वोल्टेज वी ए जाएगा, वी ए जाएगा। तो ए पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। और उसी प्रकार देखो ये बी है, वोल्टेज वी बी है, यहाँ से यहाँ आएगा नीचे से होते हुए शॉर्ट सर्किट में सेम वोल्टेज करंट होता है, ये वोल्टेज वी बी आ गया, क्लियर है ठीक है। अब मैं बात करूँ, जैसे इसको मान लो आर वन फर्स्ट वाले को ना आर वन दे देता हूँ, इसको आर टू देता हूँ, इसको आर थ्री देता हूँ ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या रखना है, आपको पता है कि यदि मैं पैरेलली अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसके जो लेफ्ट का वोल्टेज और राइट के वोल्टेज सब सेम सेम होते हैं, क्लियर है। लेफ्ट दो रेजिस्टेंस के लेफ्ट का वोल्टेज अगर सेम है और राइट वोल्टेज अगर दोनों सेम है तो वो दोनों पैरेलली होते हैं ठीक है। तो अब देखो आर वन वोल्टेज, आर वन रेजिस्टेंस को बनाता हूँ मैं, इसको आर वन को बना, लेफ्ट का वोल्टेज क्या है, वी ए है, राइट का
देखो आर वन और इसका राइट का वोल्टेज क्या है, वी बी है, ठीक है। देखो आर टू को बनाओ नीचे, आर सेकेंड रेजिस्टेंस में लेता हूँ आर टू, इसका बताओ लेफ्ट का वोल्टेज कितना है, राइट का मतलब वी और वी बी ही है ना, इसमें भी देखो वोल्टेज कितना है, वी ए और वी बी है। आर थ्री को ले लो, आर थ्री का एक वोल्टेज वी ए है और एक वोल्टेज वी बी है, वी ए है वी बी है। देखो तीनों का तीनों वोल्टेज सेम है, राइट का तीनों का वोल्टेज सेम है, दैट मीन्स ये कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में ये सेम वोल्टेज से कनेक्ट करो, इसको सेम कर सकते हो, यहाँ वी भी दे दो और यहाँ वी ए दे दो, क्लियर है। क्योंकि ये तीनों का लेफ्ट टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल था, राइट का वोल्टेज इक्वल था। अब देखो इसकी वैल्यू आर है, ठीक है, ये सबकी वैल्यू कितनी है, आर आर है। अब इसको किसमें है, सीरीज में है, तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या अप्लाई कर लोगे, 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, आर टू की वैल्यू कितनी है, आर है, आर थ्री की वैल्यू भी कितनी है, आर है। इन सबको एलसीएम लो, आर आएगा तो 1+1+1 दैट मीन्स 3/R, वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट आया। तो आर ए बी के बीच का वोल्टेज इसको चेंज कर दो तो R/3 ए हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। तो आप ऐसे सॉल्व करना, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, ये आपकी क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें समझ ही नहीं आ पाता है कि कौन सा सीरीज में है और कहाँ पैरेलल है। इसको समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप वोल्टेज को ध्यान दो, यदि दो टर्मिनल यदि किसी रेजिस्टेंस के लेफ्ट के सारे का वोल्टेज सेम हो जाता है, राइट के सारे का वोल्टेज सेम हो जाता है, तो वो पैरेलल है, अगर वोल्टेज डिफरेंट होता है तो सीरीज में है, क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा हटके क्वेश्चन कराता हूँ, एक और सपोज कर लो, ठीक है, वायर से ऐसे कनेक्टेड है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना वीडियो को पूरा देखना, बीच में भाग मत जाना, कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके लिए वीडियो बनाया हूँ कुछ स्पेशल टाइम निकाल के, ठीक है, तो आप इसका यूज करो, बेनिफिट लो अपनी स्टडी में, आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखो इस केस में आपको फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही आपको फाइंड करनी है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो जो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखोगे ना फर्स्ट टाइम तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल है, ठीक है, ऐसे में आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसको आप ऐसे ही टिक नहीं कर सकते कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल है, किसको जोड़ें किसको क्या करें। तो इस सारे क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको वोल्टेज को केयरफुली करना होता है, ठीक है, वोल्टेज को ध्यान से देखना उस और सॉल्व करना। मान लीजिए इसकी वोल्टेज कितना है, वी ए है, ए का वोल्टेज वी ए है, बी देखो इसकी वोल्टेज वी बी होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये वोल्टेज सेम टू सेम यहाँ भी चल जाएगा, वी बी होगा, ए भी शॉर्ट सर्किट है तो ए भी वोल्टेज कितना होगा, वी बी होगा, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट तो ये वोल्टेज वी बी होगा, ये शॉर्ट सर्किट है मतलब वोल्टेज वीबी होगा। दैट मींस ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सारे का वोल्टेज कितना है, वीबी है, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, वी है। आप ध्यान देखो आपके पास मान लो इसकी वैल्यू में आर आर रख दिए हैं, ये वैल्यू आर है, आर है, ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है, कोई डिपेंड नहीं करता। अब आपको देखो इसको ना आप ऐसे बना सकते हो, एक पॉइंट को रखो ए, ठीक है, देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मान लो इसको, और इसकी वोल्टेज कितना है, एक राइट वोल्टेज ए है और बी है, मतलब वी ए है और वी बी है, सेकेंड वोल्टेज का वी ए और वी बी, इसके लिए भी देखो वी ए और वी बी, थर्ड के लिए भी देखो वी ए और वी बी, थर्ड के लिए भी कितना है, वी ए और वी बी, फोर्थ के लिए भी वी ए वोल्टेज और वी बी वोल्टेज, वी ए और दिस इज द वी बी, ठीक है। अब देखो इसको सारे का वोल्टेज सेम है, दैट मीन्स इसको आप एक वोल्टेज सप्लाई करोगे तो वी बी, अब देखो वी बी भेजोगे तो सब में वी बी ही आएगा ना, लेफ्ट का सारा वोल्टेज सेम है तो लेफ्ट को सारे को कनेक्ट कर दो एक से,
ए कितना हो जाएगा वी ए, तो ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। अब देखो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सॉल्व कर लेना। वन बाई आर इक्विवेलेंट सॉरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर। सॉल्व करो, वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, सबका एलसीएम कितना होगा आर, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर बाई आर के वैल्यू वन बाई आर ए बी हो गया। सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सो आर ए बी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर चेंज कर दो तो आर बाई फोर आएगा, तो ये क्या है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आर बाई फोर, यही आंसर है। जो भी ऑप्शन तुमने दिया रहेगा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम जेई एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, और कोई भी एग्जाम्स हो यदि फिजिक्स का हाई लेवल क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक क्वेश्चन और है, मैंने सेम टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखना यदि इसको इस प्रकार से कनेक्टेड करके यहाँ एक रजिस्टर्स लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे इसके बीच में सेंटर में रखो, एक रजिस्टर्स यहाँ है, एक रजिस्टर्स यहाँ है, एक रजिस्टर्स यहाँ है, ठीक है, इसको ए पॉइंट देता हूँ, ये बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, देन आपको रेजिस्टेंस ए और बी का बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, बीच का बीच रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अब देखो इसमें टोटल रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान देखो, इस कॉन्सेप्ट को भी सेम अप्लाई करना है। जहां ए है इसका वोल्टेज दो कितना, वी ए वोल्टेज होगा, बी का वोल्टेज कितना होगा, वी बी, दो पॉइंट है, ये शॉर्ट सर्किट है मतलब ये वोल्टेज कितना जाएगा, वी बी, ये शॉर्ट सर्किट है वोल्टेज कितना जाएगा, वी बी। देखो कभी भी किसी भी पॉइंट में रेजिस्टेंस की अगर लेफ्ट और राइट का वोल्टेज सेम होता है तो मैंने क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट कर देना है। जैसे ये वोल्टेज है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसके लेफ्ट का वोल्टेज 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट है, अगर ऐसा हो जाता है देन आप इसको चेंज कर दो सिंपल एक, ठीक है, सिंपल आप वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है याद रखना। इस कंडीशंस में इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, देखो वन केस ए है आपका, लेफ्ट में ए था, ठीक है, राइट में, सॉरी लेफ्ट का बोलता हूँ, चलो इसको देखते हैं, यहाँ से हुआ, ठीक है, ए है आपका, बी है, ए पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी, इसको रिमूव कर दो तो सिंगल लाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब सिंगल लाइन में वोल्टेज सेम है तो इसको आप रखो चाहे हटा दो कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो ये वैल्यू इतनी हो गई। अब देखो ए वोल्टेज वी ए है, ए वोल्टेज वी बी है, दिस वोल्टेज इज वी बी, दिस वोल्टेज इज वी बी, तो आप ध्यान, अब तुम्हारे पास ये वैल्यू है आर, आर और आर, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तीन रेजिस्टेंस हैं इसकी, तीनों का देखो, इस रेजिस्टेंस का एक सिरा वी ए है, इसकी वी ए, इसका वी ए, सब तीनों का वोल्टेज का लेफ्ट कितना है वी ए, राइट का देखो इसका भी वी बी, वी बी, वी बी, तो इन तीनों को कनेक्ट करके वोल्टेज सप्लाई कर दो, वोल्टेज वी बी वोल्टेज, इसकी वैल्यू आर है, ए बी आर है, ए बी आर है, अब देखो सबके सब कितने हैं पैरेलल हैं, तो वन बाई आर ए और बी के बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाई आर वन की वैल्यू आर है, वन बाई आर प्लस वन बाई आर, इसका एलसीएम ले लो आर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा थ्री, सो आर ए बी, इसको न्यूमरेटर को डोमिनेटर में इसको कन्वर्ट कर दो तो आर बाई थ्री, तो ये वैल्यू आएगा आपको, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चंस बन जाना चाहिए आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो एक क्वेश्चन इसी में आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिसको कि आप कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ सप्लाई करता हूँ,
ए है वी ए पॉइंट, ए है बी पॉइंट और ए है सी पॉइंट, ये सब है सी पॉइंट। ठीक है, आपको फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना, आप सही से बताना, नहीं बन पाएगा तो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक दिस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्पफुल नेचर का होगा। ठीक है, सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट दिस वीडियो। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, यदि आपको लगता है कि सर बेटर पढ़ा रहे हैं देन आप इसको कमेंट करो कि सर बना यस या नो, देन अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं चाहिए, कितना में सफिशियंट है, देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो आर आई विल चेंज अनदर वीडियो। ठीक है, टॉपिक चेंज करूंगा या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक टॉपिक से हजारों क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देन ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।